उसकी सुरक्षा के लिए वो साइक्लोपियन वाल था। तब वो तो बहुत जगह टूट टाट गया, लेकिन साइक्लोपियन वाल अभी भी है। तो हम लोग अब उसके लिए भी प्रयास में हैं कि इसको भी विश्व धरोहर की सूची मिले। इसके लिए हम लोग पिछले 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं, और केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि इस बात को हम लोगों को आगे करना चाहिए ताकि एकदम बिल्कुल इसको भी मिले। तो राजगीर में क्या क्या खासियत है, अरे सबसे पहला राजधानी तो यही ना था। अब तो राजगीर का जितना विकास हो गया, बाईपास हो गया, अब देखिएगा कुछ दिन में राजगीर में इतना मकान और बनेगा, इतना सब तरह की सुविधा होगी कि उसके बाद ठीक कॉरपोरेशन ना बन जाएगा। तो ये सब तो होगा, तो हम लोगों से जितना संभव था भाई, जब भी मौका मिला, बचपन से तो आते ही रहते थे, लेकिन 2009 के दिसंबर में आके 7 दिन रह के एक एक चीज़ को फिर नए सिरे से देख करके जो हमने यहाँ के लिए कर दिया है। इस तरह से तो हम अन्य जगहों पर भी गए थे, गया बोधगया, सब जगह पर गए थे, अनेक जगहों पर गए थे, तो उन सब जगहों की बात इनके यहाँ भी गए थे, तो कई जगहों पर गए थे, लेकिन जो जहाँ भी करना था सब जगह करा रहे। और यहाँ का भी सारा चीज़ जितना किया गया आप देख लीजिए। और मेरा मकसद यही है कि नई पीढ़ी को एक एक चीज़ का एहसास हो, और उसी के लिए हर जगह हमने सब तरह का सहूलियत करवाया। तब ये सब चीज़ हो गया है, आज भी आप लोग देख लिए हैं, गए हैं, तो पीछे तो आपको भी आज सब पांचों दर्शन आ ही गया, देख ही लिया। तब किस तरह से लोग आएंगे और ये जू सफारी का भ्रमण करेंगे, देखेंगे, और नेचर सफारी का भ्रमण करेंगे, अन्य जगहों पर जो हम लोगों ने सुविधा कर दी है, तो सबको पता ही है, तो ये सब चीज़ होगा ही। तो और बाकी सब चीज़ों पर तो चल ही रहा, तो एक एक चीज़ का उपाय हो ही गया है। तो जो कुछ हम लोगों से संभव था, विश्व शांति स्तूप तो बना था 50 साल पहले, अब विश्व शांति स्तूप के बगल में भी नए रोपवे का भी निर्माण हम लोगों ने करवा दिया। अब कहीं भी जाने का कितना सुविधा, तो सब तरह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और राजगीर का भी और उत्थान होगा, इससे बिहार को भी फायदा होगा और देश के भी हित में है, देश के लिए भी फायदा। इसलिए आज के अवसर पर फिर मौका मिला है आज के जू सफारी के शुरुआत कराने का, और हमारे माननीय मंत्री जी हैं ही, प्रभारी मंत्री जी भी हैं, सब लोग जनप्रतिनिधि हैं ही, सब लोग घूम लिए, बड़ी खुशी की बात है। तीन शब्दों के साथ मैं अपनी खुशी प्रकट करता हूं, और आप सब लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद। मत करिए हमें ऐसा, तो नहीं ना कि पहले सीएम घूम के आए तो फोटो ले जाएंगे। और यहाँ पर बैठा हुआ है शेर, आगे बढ़िए, थोड़ा सा बढ़ा के रोकिएगा अपने बाल बच्चों के साथ, इसको ठीक ट्रेनिंग दिया गया है, रोड पर आ जाते हैं। तीन वो है, जूम करके अनूप जी, जूम करके लीजिए ना। वाह क्या नजारा है, सुंदर है, बढ़िया का आवाज़ है, खतरनाक।